हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है एडवांस प्रेडिक्शन स्टॉक मार्केट। तो एज एक्सपेक्टेड निफ्टी ने अपना रूप दिखा दिया और ओवरऑल 400 पॉइंट का ऊपर से करेक्शन मिला है हमें। बात हुई थी हमारी 17,400 पे, वहां से 17,800 तक चला गया। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि किसी ने गलती से शॉर्ट कर दिया हो, क्योंकि बहुत सारे मेल आ गए कि मैंने शॉर्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने उनको ये भी बताया था कि भाई अगर आपने शॉर्ट किया है तो यहाँ पे आप एवरेज कर लीजिए 17,700 के आसपास। अगर वहां पे किसी ने किया हो तो उनका एवरेज 500 के करीब आता है, 500 अगर उन्होंने खड़े रखा तो अभी ओवरऑल उनको अच्छा खासा गेन हो गया 100-150 पॉइंट का शॉर्ट में, सेल में। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हमें सेल में नहीं रहना है। 23-27 मैक्सिमम वहां तक डाउन ट्रेंड ऊपर नीचे करेगा। मार्केट थोड़ा अफड़ा तफड़ी वाला है, आई अंडरस्टैंड, बट ओवरऑल ऊपर ही है बाद में बाजार, तो आपको उसमें सेल में नहीं रहना है ज्यादा। तीसरी बात, किसी ने मुझे पूछा कि क्या ऐसा तो रीजन हो गया, हो जाएगा कि मार्केट अभी गिरा फिर बढ़ जाएगा, एस्ट्रोलॉजिकल बात बताइए। एस्ट्रोलॉजिकल बात में यही बताऊंगा, गुरु महाराज जो है वो अभी नीच राशि मकर राशि में रेट्रोगेट हो रहे मतलब उल्टे चल रहे, तो उसकी वजह से क्या है कि उनका सूर्य के साथ साथ छूट चुका है और शनि का प्रकोप वहां पे बढ़ चुका है, शनि उनको देख रहा है। तो क्या है कि उनका जो पावर है वो कम हो गया अभी, तो आप देखिए सडन फॉल आ गया मार्केट में। ओवरऑल ये होना था 13 तारीख से, पर क्या है वो डिग्री में आते आते 7 दिन लग गए, तो 20 से शुरू हो गया, 7 दिन का और प्रोसेस है। 7 तारीख के बाद से वो सीधा चलना शुरू हो जाएंगे, मतलब ओवरऑल 26-27 तारीख मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा सा ध्यान रखें। ओवरऑल बाय में रहे, अगले महीने कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठ जाए और जो भी फ्यूचर ऑप्शन करते हैं कॉल ले ले दिसंबर के, बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा आपको उससे। तीसरी बात, यहाँ पे हम किसी ने पूछा है पोर्टफोलियो रिलेटेड आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पुराना, तो कब निकलना है वो मैं आपको बता दूंगा। दिसंबर में के आसपास हमें निकल जाना है, एक बार सब कुछ खत्म कर देना है, फिर वहां से खत्म ही है मार्केट, मतलब अगले साल तो बहुत बड़ा फॉल है, तो उसका प्रेडिक्शन आगे करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कब निकलना है। ओवरऑल दिसंबर तक मार्केट बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर आप इन्वेस्टर रहे, अगर आप बाय साइड रहे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। सेल साइड नहीं रहना है, बहुत सेल हो आपको बताएंगे आपको बेचना है नहीं बेचना है, हमें नहीं बेचना है, हम बेचेंगे जब टाइम आएगा और तब वो लोग बाय में होंगे जो अभी सेल में है। सो कृपया वेट करें मेरे इशारे का, जब मैं इशारा करूं आपको तब आप अपना हाथ हिलाए और ट्रेड करें। बाकी ओवरऑल आपको बाय में ही रहना है और सेल में नहीं रहना है, बहुत लॉस हो जाएगा अगर आप सेल में रहोगे तो यहां से भी, तो थोड़ा वेट करिए मार्केट को थोड़ा नाच लेने दीजिए, उसके हिसाब से उसके बाद बाय कर लीजिए। 23-27 के बीच में हम जो भी बाय करेंगे उसको होल्ड करें। 7 अक्टूबर के बाद में अच्छी तेजी शुरू होगी मार्केट में जो दिसंबर तक रहेगी, और दिवाली तक गया है कि हम 18,500 आ जाएंगे और 19,200 हम दिसंबर क्रिसमस के पहले पहुंच जाएंगे, और वहां पे हम सब खत्म कर देंगे एक बार जो भी हमारे पास में लॉन्ग पोजीशन ये वो सब पड़ा हुआ है। जो भी फ्रंटलाइन आपको अच्छा लगता है HDFC बैंक को छोड़ के, देखिए हर वीडियो में मैंने कहा HDFC बैंक को मत लीजिए, आप HDFC बैंक का रिटर्न चेक कर लीजिए, ठीक है, और दूसरी भी सारी शेयर्स का रिटर्न चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से HDFC मत लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि HDFC शॉर्ट करना है, अभी शॉर्ट नहीं करना है उसको, आप शॉर्ट करिए नवंबर से आप उसको धीरे धीरे सेल करना शुरू करिए, सेल करके होल्ड करिए, नीचे प्रॉफिट बुक करें, फिर सेल करें, फिर नीचे भी प्रॉफिट बुक करें, इसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। ऑलरेडी इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हो। इसका प्रॉब्लम ये होने वाला है कि वो बोलते हैं ना कि आदमी बुरा नहीं है बट टाइम बुरा है, तो HDFC बैंक का टाइम खराब आने वाला है। ये प्रेडिक्शन मैंने फरवरी में मई महीने में ही किया था, तो इस तरीके से है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, 23-27 के बीच में आपको सब कुछ बाय कर लेना है, सेल में नहीं रहना है हमें। जिसकी इच्छा हो थोड़ा बहुत रिस्क लेने की वो ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। दिसंबर का 17-18 हजार का कॉल है,
18500 का कॉल है उसमें आप बाय करके खड़े रह सकते हैं, अच्छा रिटर्न मिलेगा। 18000 का कॉल है उसका 1000 रुपए का 1200 रखे टारगेट। 18500 का कॉल का 700-800 रुपए का टारगेट के साथ आप बाय कर सकते हो। और ये हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट मेल कर सकते हो। बहुत ही जल्दी मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने वाला हूँ जिसमें डायरेक्टली लाइव मार्केट में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, उसमें आपको हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ भी हो मेल करे और या पेड ग्रुप के बारे में बार बार मेल मत करे, इस तरीके से मैं ज्वाइन नहीं करवा दूं किसी को। देखिए यहाँ पे पैसों की कोई बात ही नहीं है, अगर आप हमारे कॉल पे कमाए हो, मैंने पहले ही बताया, अगर आप हमारे कॉल पे कमाए हो और पे कर रहे हो तो हमें बहुत खुशी है। ऐसे ही पैसे नहीं लेते हैं, आप पहले कमाइए। अगर आपको, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई अच्छे कॉल है ये, पर क्या आपने ट्रेड किया? द प्रॉब्लम इज दिस, अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या आपने ट्रेड किया? अगर हाँ तो क्या वो ड्यूरेशन के लिए आपने होल्ड किया? अपने आप से ये क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे पैसों की कोई बात ही नहीं है। ये वो चैनल नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ मतलब पैसे देख रहे हैं कि भाई इतना अच्छा तुम्हारा नॉलेज है तो शेयर करो, पैसे कमाओ, ऐसी बात नहीं है। ये वो चैनल है जो रिटेल इन्वेस्टर को हेल्प करना चाहता है, जो हेल्प कर रहा है ऑलरेडी इस तरीके से। ना ही मुझे कोई गुरु दक्षिणा चाहिए लोगों की तरह, ना ही मुझे कुछ भी चाहिए। बहुत फोर्स किसी ने किया था तब जाके मैंने अपना गूगल पे वाला नंबर मैंने शेयर किया था। तो इस तरीके से, तो डोंट वरी अबाउट मनी एंड एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ नहीं है मेरे लिए दुनिया में। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखे, खरीदने की कोशिश ना करें मुझे, मैं बहुत महंगा हूँ, अब कीमत नहीं लगा सकते हो इस तरीके से मैं और मेरा नॉलेज। यही मेरा एटीट्यूड है और मेरा एटीट्यूड ही मेरी रियल वेल्थ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना ध्यान रखे, कोरोना अभी भी गया नहीं है। और एक और बात बता दो, हम बात कर रहे हैं सुबह के 6:01 हुआ है और तब मैं आपके लिए वीडियो बना लूं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। सेल में नहीं रहना है, 23 से 27 के बीच में आपको सब कुछ जो अच्छा लगे HDFC बैंक को छोड़ के वो सब कुछ बाय कर लेना है, होल्ड करना है, अच्छा रिटर्न मिलेगा आगे। दिसंबर तक मार्केट बहुत अच्छा है, 7 अक्टूबर से अंधी तेजी शुरू होने वाली है, तब तक शांति से बाय करके होल्ड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर।